देखिए फ्रेंड्स, इनको देखने से ये एकदम ही चमचमाते नए बर्तन के जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन को एकदम सिंपल ट्रिक, एकदम ही आसान, बहुत जल्दी, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए हुए, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम साफ करके तैयार करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इतनी जल्दी इतने बर्तन साफ कैसे कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये बर्तन तो देख ही रहे होंगे, ये कितने ख़राब हो गए हैं, एकदम ही काले काले से पड़ गए हैं। अब इनको हमें साफ़ करने के लिए पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे और कुकर में हम इतना पानी भरेंगे कि हमारे जो बर्तन हैं वो एकदम आसानी से इसके अंदर डूब जाएं। बर्तन बाहर नहीं रहने चाहिए, नहीं तो ये जितना हिस्सा बाहर रहेगा वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इतना पानी इसके अंदर भरना है कि ये एकदम अच्छे से किनारे सुधा डूब जाए। अब इसमें हमें एक चीज़ ऐसी डालनी है फ्रेंड्स कि आपको ये केवल 5 रुपये में इतना साइट्रिक एसिड मिल जाएगा और वो आप इसके अंदर डाल लें। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर 4 नींबू का रस निकाल कर डाल लें और उसके छिलके भी इसी के अंदर डाल लें। आप नींबू के छिलके समेत हमें इसके अंदर डाल लेना है। पानी को अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पर हमारा जो साइट्रिक एसिड है वो एकदम अच्छे से घुलकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में इसमें हमें सारे बर्तन एक एक करके इस तरीके से रख देने हैं। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसे केवल नींबू के साथ साफ कर सकते हो। इतने पानी में हमें 4 नींबू का रस लगेगा तो वो भी डालकर आप इसको साफ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर 2 छोटे चम्मच साइट्रिक एसिड और 1 नींबू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे अकेले साइट्रिक एसिड से भी साफ कर सकते हो। इतने पानी में आपको 2 से 2.5 चम्मच साइट्रिक एसिड डालना होगा। अब ये छिलके भी इसी के अंदर छोड़ देते हैं। अब इसको हमें गैस पे रख लेना है और गैस का हमें 5 मिनट तक फ्लेम फुल रखना है। उसके बाद में हम फ्लेम कम कर देंगे और फिर हमें इसको 10 मिनट तक ऐसे ही गैस पे रख के होने देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर अकेले नींबू डालेंगे तो नींबू के अंदर जो है इसमें सीटी आएगी, और अगर नहीं डालेंगे तो इसमें सीटी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आप टाइम देख के इसको 10 मिनट तक होने दें। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 नींबू को छिलके समेत डाला था, इसलिए इसके अंदर एकदम छोटी छोटी सी सीटियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे हम 4 से 5 सीटी आने तक इसको होने देंगे। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसकी विसल की जो प्रेशर है वो पूरा निकाल देंगे और उसके बाद में इसको हम खोल लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बर्तन जो है वैसे साफ़ हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो चिकनाई वगैरह थी या फिर ये दिए थे थोड़े काले थे, तो वो पूरी कालस जो है इसके ऊपर लग गई है। अगर आप दिए वगैरह की चिकनाई हटाकर इसको करेंगे तो ये कालस भी इस पर नहीं लगेंगी, लेकिन इसको एकदम ही आसानी से साफ़ किया जा सकता है। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्क्रबर ले लो, उस पर थोड़ी सी आप बर्तन साफ़ करने वाली साबुन लगाएं और उसको एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसे घस ले। आप इसे फोम से या फिर कपड़े से भी एक बार में इसके ऊपर से फेर दोगे साबुन लगाकर, तो ये अच्छे से साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लोटे को घस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, हल्का सा पानी डालकर इसको आप धो लें, एकदम साफ निकल आता है। इसके बाद में हम इसको फोम से साफ करेंगे। ये फोम से या फिर कपड़े से भी बिल्कुल आसानी से, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार साबुन लगा के इस तरीके से इसको आप साफ कर लें। और जो बर्तन आपके डिजाइन वाले हैं थोड़े, तो उसको आप ब्रश की सहायता से साफ करें तो एकदम चमक जाएंगे। यहाँ पे हमने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं। ये बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आपके सारे बर्तन साफ हो जाते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सी चमक आ जाती है। बर्तन जो है एकदम ही नए के जैसे दिखने लग जाते हैं। अब सारे बर्तनों को हमने एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद में इसको हम सुखाकर पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। चाहे कितने भी आपके ख़राब हुए बर्तन हो, एकदम आसानी से बहुत ही सुंदर बर्तन आपके निकल कर आ जाते हैं इस ट्रिक से, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ सामान वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक बार तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन साफ़ करके ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। और यहाँ पे मैं जो आपको ये हमारी सिंदूर डालने वाली डब्बी थी ये दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये तो इतनी गंदी थी कि इसको साफ़ करना बिल्कुल भी नामुमकिन था,
लेकिन इस ट्रिक से आप इसको साफ करेंगे या फिर ये घंटी देखिए आप मंदिर की, एकदम ही बढ़िया साफ सुंदर सी हो जाती है। वैसे इसको हम आसानी से साफ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से बर्तनों को चमकाकर जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। जब आप दूसरा काम कर रहे होते हैं तो बाजू में आप इस तरह से बर्तनों को रख दें और फिर आप इसको फटाफट साफ कर सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।